एक आदमी हमारे रेस्टोरेंट की कॉफी पी के बेहोश हो गया। तुम दोनों को अभी का अभी डॉलीज किचन जाना है। इसी कॉफी को पी के बेहोश हुआ ना ये? माना क्या कर रहा तू? क्या हो रहा है? क्या हो रहा मतलब? आप सब ऐसे गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? कौन मतलब इस कॉफी में जरूर कुछ था। अगर एक सिक पी के इसका ये हाल है तो ये तो आधा कप पी गया। सर जय हिंद। सर एम्बुलेंस आ गई है। हाँ तो आगे क्या करना चाहिए बॉस? अगर वक्त है तो एक एक कॉफी पी लेते हैं। है? ये आ गया सबसे बड़ा मुफ्तखोर। ये वाली कॉफी ना जग भर के अपने हाथों से इसको पिलानी चाहिए। एक आदमी कॉफी पी के यहाँ बेहोश पड़ा है, दूसरा कॉफी पी के झूम रहा है और तुझे कॉफी पीने की पड़ी है? नहीं नहीं सर भूल गया, वैसे मंगलवार को मैं कॉफी पीता ही नहीं हूँ, कुछ और पीता हूँ। बॉस एक काम कर, इनको उठाओ और चुपचाप हॉस्पिटल ले जाओ एम्बुलेंस में डाल के, और ये कॉफी को तुरंत फोरेंसिक लैब में भेजो। यस सर। ए स्ट्रेचर लाओ रे। भाई बेहोश है जरा संभाल के। चलो संभालून बाड़ा। चलो डालो 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 फटाफट। ओके बॉस हैप्पी जर्नी। वो ऊपर का वो बत्ती जलाना है एम्बुलेंस का मजा आता है। छुट्टी भी नहीं जा रहा है वो, हॉस्पिटल जा रहा है समझे। डॉली तुम मुझे एक बात बताओ। मानव I'm okay. डॉली एक बात बताओ, ये क्या नाम है तुम्हारे कस्टमर का? दामोदर। दामोदर दामोदर यहाँ कब आया था? किसी के साथ आया था या अकेला? और आने के बाद उसने क्या क्या खाने को ऑर्डर किया था? वो एक्चुअली 3-4 घंटे पहले आया था, अकेला ही था। उसने ना डबल एस्प्रेसो ऑर्डर की, मैंने उसे कॉफी सर्व की और फिर मैं बिजी हो गई दूसरे कस्टमर्स में। ये कस्टमर आप लोग के यहाँ रेगुलर आता था या पहली बार आप लोग ने इसे देखा? पहली बार में प्यार हो गया। इसे छोड़ो, आप मेरी बात का जवाब दो। पहली बार पहली बार ही आया है, इससे पहले हमने इसे कभी नहीं देखा। पहली बार है। नीना जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके किचन में जाकर कॉफी शक्कर दूध पानी सब चेक कर सकता हूँ। क्यों चेक करोगे? हमारे यहाँ पे क्या फटे हुए दूध की कॉफी बनती है? फ्री में तो रोज खाते जाते हो, कॉफी पीते जाते हो, कभी लूज मोशन या गैस हुई है क्या हमारे खाने से जो चेक करोगे? अभी A1 क्वालिटी का सारा सामान रहता है हमारे पास। अम्मा ये मैंने क्या सुना, क्या गड़बड़ हुई है हमारे रेस्टोरेंट में? अगर एक आदमी आया और अचानक यहाँ इस टेबल पे बेहोश हो गया, वो तो छोड़ो सारे बाकी के लोग खा पी के बिना पैसे दिए भाग गए। कस्टमर बेहोश ऐसे नहीं हो गया, आपके रेस्टोरेंट की कॉफी पी के हुआ है। आदि ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? हो सकता है उस आदमी ने बाहर से कुछ खाया पिया हो और यहाँ आके बेहोश हो गया हो। लॉजिक है? सीखो सीखो मेरी लॉयर बेटी से कुछ सीखो, इसे कहते हैं लॉजिक। और ये मेरा लॉजिक है, उड़ जा मोटे, खड़ो जा यहाँ पर, ये मेरा लॉजिक है। इसने भी वही कॉफी पी ली जो कॉफी पीकर दामोदर बेहोश हो गया। आयशा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हे दूसरा देख लो। अरे अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काय बोलते था? हाँ मैं ना उंगली तो इतनी समझा रहा हूँ यार, देख लो तुम। आयशा इसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैंने कॉफी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ जब तक रिपोर्ट आएगी तब बता देना, अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, हमको रेस्टोरेंट खोलना है, आज बहुत नुकसान हो गया है। देखिए नीना जी आई एम रियली सॉरी, मैं आपको रेस्टोरेंट खोलने नहीं दे सकता क्योंकि आपका रेस्टोरेंट एक क्राइम स्पॉट बन चुका है और जब तक ये केस क्लोज नहीं होगा ये रेस्टोरेंट भी सील रहेगा। रेस्टोरेंट को सील लगाओ। अरे तुला काय झालंय काय रे बाळा, तुम जब आते हो हमारे रेस्टोरेंट में और जैसे ही मुंह खोलते हो सील करने की बात करते हो, क्यों? मेरा रेस्टोरेंट सील किया ना तो तुम्हारा हेडक्वार्टर सील कर दूंगी इस बार। चलो ये नहीं होगा, हमारा पुलिस हेडक्वार्टर 24 घंटा चालू रहता है, ऐसा कमिश्नर सर ने अभी हमें बोला थोड़ी देर पहले जी। अच्छा तो ठीक है, आज देख लेना हेडक्वार्टर को कैसे बंद किया जाता है परमानेंटली। मेरा नाम नीना नाडकर्णी है, जय महाराष्ट्र, आज देख लेना तुम। चादर 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 नीना क्या हुआ? नीना नाडकर्णी नाम की तोप तुम पर चलने वाली है चादर। तो बावड़े तुम इतना तापेला तापेला क्यों है? क्यों है, शर्म नहीं आता है? मुझ जैसी अबला मेहनती नारी का रेस्टोरेंट सील करते हो और खुद यहाँ पर एसी कैबिन में बैठ के अय्याशी कर रहे हो? मैं वुमेन्स कमीशन ऑफ इंडिया में जाऊंगी और कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे खिलाफ, समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? गुस्सा मत करो, कंट्रोल करो, हम तुम्हारा रेस्टोरेंट सील होने नहीं देगा। हम अभी बात करेंगे वादी से। तो बुलाओ उसे। किधर है वो? वादी
इंस्पेक्टर मानव रिपोर्टिंग सर, इनका रेस्टोरेंट एक क्राइम स्पॉट है और जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं इनके रेस्टोरेंट पर से सील नहीं हटा पाऊंगा सर, आई एम जस्ट फॉलोइंग द रूल बुक सर। ए क्या रे, इधर सीरियस डिस्कशन हो रहा है, तुम खिकी खिकी रास्ता है? नहीं सर, मैं ही करके हंस रहा हूँ, आप खिकी खिकी करके हंस रहे हैं। हमने नागर उतरता है बॉस। यस सर। अरे तुमको नहीं बोला है रे बाबा। सर मैं तो यहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट देने आया हूँ। अच्छा अच्छा, आदि देखो ये फॉरेंसिक में क्या लिखा है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ के सब कुछ क्लियर हो गया सर। चला देव पावला, बोला था ना मैंने सब कुछ क्लियर है, ये पुलिस डिपार्टमेंट खामखा डरा रहा था हमको। क्लियर ये हुआ है सर कि दामोदर की कॉफी में बेहोशी की दवाई का हैवी डोज पाया गया है। हैवी, वेरी हैवी, वेरी हैवी। हैवी है लेकिन तुझसे हैवी नहीं। इट्स अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर सर। व्हाट, अटेम्प्ट टू मर्डर? काय सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखते हुए और क्राइम स्पॉट के सबूतों को देखते हुए दामोदर की कॉफी में जहरीली दवाई मिलाने के इल्जाम में मैं उस रेस्टोरेंट की मालकिन नीना नाटकर्णी को और उनकी बेटी डॉली नाटकर्णी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं हिरासत में लेता हूं सर। नीना नाटकर्णी और डॉली नाटकर्णी, यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। वो नीना क्यों इतना चिल्लाता है? एक तो मैंने रेस्टोरेंट सील कर दिया और ऊपर से अब हम माँ बेटे को हथकड़ी पहनाओगे तो हमारी माने काट चिल्लाता है। अरे तुमको कोई हथकड़ी नहीं पहनेगा, ये हमारा ऑर्डर है। आइकला का सर, कानून प्यार मोहब्बत दोस्ती इमोशन ये सब कुछ नहीं देखता सर, कानून देखता है तो सिर्फ गवाह और सबूत। साहेब भगा जरा, इस वक्त तुम्हारा कानून खुद बेहोश चल रहा है, भगा। इंस्पेक्टर मानव देसाई रिपोर्टिंग सर। इधर इधर आओ, यहाँ आके रिपोर्टिंग करो सर। इस समय सारे सबूत इन दोनों के खिलाफ है। इस समय सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ है और इसलिए सर इनको पुलिस की हिरासत में ही रखना होगा। ये तुम दोनों को पुलिस की हिरासत में रखना होगा, लेकिन सबूत ढूंढना अभी बाकी है ना। सबूत अपना ढूंढना अभी बाकी है ना सर। आधे ढूंढ चुके, आधे ढूंढना बाकी है। आधे ढूंढ चुके, आधे ढूंढना बाकी है। काही काही सर, क्या काही सर? देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन दोनों को यहीं पर रहना होगा सर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम दोनों को इधर ही रहना पड़ेगा। अरे इन्वेस्टिगेशन तुम लोग आपस में करो ना, हमको क्यों रुका के रखा है? अरे इन्वेस्टिगेशन तुम लोग आपस में करो ना, इन दोनों को क्यों रुका के रखा हुआ है? सर अगर इनको खुला छोड़ दिया तो सबूतों को टेम्पर भी कर सकते हैं। अगर तुम लोग खुला छोड़ दिया ना तुम सबूतों को टेम्पर कर सकते हैं। क्या खुला छोड़ दिया, हम लोग क्या जानवर है? हैं? और बार बार रिपीट टेलीकास्ट क्यों कर रहे हो? मेरा दिमाग भी सही चल रहा है और मैं भरी नहीं हूँ। टेम्पर हम लोग नहीं कर रहे, टेम्पर तो आप लोगों का कानून कर रहा है। वो देखो मेरा सबूत भी गया ये टेम्पो। मानव सीधा खड़ा हो जाओ। मानव देसाई रिपोर्टिंग सर। ए रिपोर्टर, तुमने कॉफी पी थी ना? मैंने पी थी कॉफी, मैंने पी थी, लेकिन वो तो मैं बिन शान कान हड़ताल के लिए पी थी ना। नहीं मतलब क्या बोलते यार उसे, छान बीन जांच पड़ताल, छान बीन जांच पड़ताल के लिए मैंने कॉफी पी थी। आई वाज जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, राइट ब्यूटी? मुस्कट फोड़ीन लाडक का ये तेज जेल मध्ये पाठवतोय तो आपल्याला। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तू भी कोई कम हैंडसम नहीं है, यू आर डैशिंग। लेकिन आदित्य इस केस में हम खुद विक्टिम हैं, तुम इन दोनों को हिरासत में कैसे रख सकते हो? डॉली मामा चलो, चलिए आप, मैं देखती हूँ कौन लोग। एक सेकंड आयशा, जिद मत करो प्लीज। देखो मैं जानता हूँ दोनों निर्दोष हैं, लेकिन जब तक दामोदर को होश नहीं आ जाता, वो अपना बयान नहीं दे देता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर आदित्य, आप अपनी ड्यूटी कीजिए और जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़िए और मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ। अदालत में जाकर इनके लिए रिलीज ऑर्डर लेकर आती हूँ। ओके डन। जस्ट एन जस्ट एन अंडरस्टैंड आयशा। नीना नीना डोंट वरी, डोंट वरी। देखो जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता है, यू आर अंडर माय नेस्ट, बी माय गेस्ट एंड हैव अ रेस्ट।
तुम्हारे नेस्ट गेस्ट और रेस्ट की सिंपथी ना गोगोल अपने पास ही रखो। हम दोनों बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी यही चाहते ना तुम और तुम्हारे दोनों ऑफिसर्स कि हम मुजरिम की तरह यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे रहे तो ठीक है। नीना, तुम हमारे एसी कैबिन में बैठो। तुम बैठो तुम्हारे एसी ऑफिस में, हम आम मुजरिमों की तरह बाहर बैठेंगे बाकी मुजरिमों के साथ। चल गया मोटा वाला एसी कैबिन। मेरी बात सुनी सर, आप घबराइए नहीं, हम जाते हैं सर हॉस्पिटल जाकर दामोदर का जरा हालचाल पता करते हैं और साथ में जरा पूछताछ भी करके आते हैं। ये लीजिए चाय पी लीजिए। ग्लास में चाय, कप नहीं है और ये ग्लास कितनी गंदी है, ऊपर तक जाके कंप्लेंट करूंगी मैं। मैडम जब तक आप ऊपर तक जाएगी ना तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। क्या आप भी पी लीजिए ना चाय, हम लोग भी इसी में पीते हैं। हमें नहीं पीनी ये गंदी कटिंग फटिंग। सॉरी मामा, आयशा दी कोर्ट से ऑर्डर लाते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। दिस प्लेस इज हाँ और खटमल भी है। हाँ? बहुत काट रहे। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। इसका कुछ तो करो। सर ये तो ऐसा बोझ है जो आपने मेरी पीठ पर लाद दिया है हमेशा के लिए। दूंगा सर। मानव देसाई स्टिल रिपोर्टिंग। अरे बार बार रिपोर्टिंग बात करो, केस सॉल्व करो। सर टेंशन है सर, केस आयशा, आयशा सॉल्व करूंगा। आयशा आयशा केस सॉल्व करो या डॉली केस सॉल्व करो, केस सॉल्व करो। नहीं तो ये नीना नाम का जो तोप है ना ये पूरा हेडक्वार्टर उड़ा देगा। रे बाबा तू देखता है कैसा बात करता है। केस सॉल्व करते हैं सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चल बोला अंदर बैठो नहीं बाहर बैठेगा। चलो बैठो इधर। ओए चिकनी क्या फैल के बैठी है, चल हट बाजू। अरे हेलो, आप थोड़ी तमीज से बात कीजिए ना। ए, हम चंपा और चमेली के नाद में घुसने की कोशिश मत करना वरना कच्चा चबा जाएंगे। कौन से मीटर में अंदर आया है? मीटर? अरे मीटर बोले तो पॉकेट मारना, चोरी करना, किसी को टपकाना या ड्रिंक ड्राइव करके अंदर आई है। नहीं 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 नहीं, नहीं हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम बेकसूर हैं। इस तरह से दांत फाड़ फाड़ के क्या हंस रहे हो? हमने भी जज साहब से कहा था हम बेकसूर हैं, बेकसूर हैं। फिर? लेकिन जज साहब ने हमारी एक बात नहीं सुनी और हम क्या? और हम जेल में अंदर बाहर होने लगे ना। टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे तेरे को भी आदत पड़ जाएगी। है? हमारे जैसी तेरी भी फोटो लग जाएगी वॉन्टेड बोर्ड पे, देखना। अरे ये किसने पुरानी फोटो लगा रखी है? नहीं नहीं ये भी अच्छा है। सुनिए मैडम, आप वांटेड हैं? हाँ, हम चेन लूटते हैं, चोरी करते हैं, पॉकेट मारते हैं कभी कभी। एक काम कर, तू अपने को ज्वाइन कर ले, चंपा चमेली और नीना की गैंग। 30% तेरा, 70% अपने का। सच बोल रहे लिए 35% में तेरे को देगी बस। देगी देगी। अरे चल 50 रख बस ना। दिया मामा। डर डर डर। अरे ये नाक खुला के आंख बड़ी बड़ी करके क्या देख रही है? चल ए नीचे बैठ, सीनियर है तेरे से क्या, इधर बैठने का नहीं। चल नीचे बैठ, चले। ए तुझा गावाला जाऊं डुक्कर मारला, किसको उलपट्टी दे रही है बे तू? कान के नीचे ऐसा खंड करके खंडाला घाट निकालूंगी कि पूरा शहर बिना घुंघरू के छन छन करती फिरेगी। तेरे शान पट्टी की मोमबत्ती बनाकर अगरबत्ती से बांध कर नया चक्का चत्ता चकोली चा खुंटीला नाई टांगली तर तुझी टांग तोड़न तुझे हाथ नाई दिली तर तुझी जीव भासून त्याची पतंग नाई बनवली तर नावाची नीना नाडकरणी नाई सांगणार काय कळलं तुला छिपकली। सी ऐसे तो मैं भी बात कर सकती हूँ लेकिन मैं ऐसे बात नहीं करती क्योंकि हमारा भी एक क्लास है, वी आर लिटिल क्लासी पीपल और हम लोग ऐसे लो क्लास बातें नहीं करते हैं। हम लोग इस मैडम कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है तू। एक काम कर, अपन लोकल संभालता है तू ओवर से संभाल ले, अपन तेरे को 75% देता है क्या? मिस हो गया।
चाचा। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों है? तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन में ऐसे घटिया राउडी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। तुमको मालूम है वो चंपा चमेली गुंडी, वो मुझे उसके गैंग ज्वाइन करने को ऑफर दे रही है। अच्छा, तो फिर तुमने क्या फैसला किया? मेरा मतलब है तुमने क्या फैसला लिया, जाके उनके साथ में बैठना है या इधर में बैठना है? नहीं नहीं अंकल, हम यहीं बैठेंगे। हाँ बैठो। थैंक यू। देखो हमने पहले ही ऑफर किया था केसी कमी में बैठने के लिए, हमारा बात सुना नहीं, बोले हमको बाड़ी मुजरिम टॉपिक बैठना है। मुझे क्या मालूम था तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन में ऐसे डाउन मार्केट घटिया क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग होंगे। अरे बाबा, ये पुलिस स्टेशन है, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है। इधर में सब उचक्का उल्टा सीधा लोग रहेगा, इधर अटेला फटेला कटेला टूटेला यही लोग रहेगा। फिर आप इधर भी आराम से बैठो, कुछ कुछ खाना है तो बोलो, हम ऑर्डर करेगा। भूख तो लगी है लेकिन डाइट फूड ऑर्डर करूंगी। डाइट नहीं, पूरा टाइट फूड खाओ तुम। बॉस, ए बॉस, बॉस। अंकल मैं ट्राई करूं? करो। बॉस। यस, मुझे बुलाया? तुम्हारा आवाज सुन के ऐसा है तुमने पुकारा और हम चले। हमारा गला फटता है तो फटने दो, बाद में बोलूंगा, पहले इनका ऑर्डर लो। जी सर। बोलिए मैडम। टू किनोआ सैलड्स, दो टोमेटो सूप विदाउट सॉल्ट, दैट विल बी ऑल। कान्हा भाजी। और सर आपके लिए मंगाऊं? एक नाइट फिश नहीं, हाँ फालूदा। फालूदा, फालूदा इधर का बहुत स्पेशलिटी है। ए फालूदा लिखा, इनके लिए, इनके लिए लिखा फालूदा। हाँ इनके लिए भी फालूदा। क्या बात, लाता हूँ। ओके सर। क्या दिया सर? अरे यारी, जल्दी से ये केस सॉल्व करो रे, नहीं तो हमारे पुलिस स्टेशन मीना का रेस्टोरेंट बन जाएगा। रे बाबा, रे बाबा। दामोदर, 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 दामो, दामो। अरे दामोदर की फाइल है, मैं इसकी हार्ट बीट चेक करता हूं। क्या कर रहा? हार्ट बीट चेक कर रहा था यार। इसका हार्ट सो रहा है, अंदर से खर्राटों की आवाज आ रही है। खर्राटे की आवाज इसके अंदर से नहीं आ रही, तेरे अंदर से आ रही है। और सुन, ये डॉक्टर गिरी करना छोड़ो, उस डॉक्टर को बुला जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है यार, बाजू में और भी पेशेंट्स हैं। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पेशेंट को होश आ गया। आई एम हैप्पी। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप तो कम से कम धीरे बोलिए। और होश कहाँ आया ने? हाँ, ये तो अभी तक बेहोश है। अरे ये नहीं, मेरे दूसरे पेशेंट को होश आ गया। आई एम हैप्पी। ओह नाइस टू मीट यू डॉक्टर हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी। अरे ये क्या बात हुई, अभी अभी तो आपने बताया आई एम हैप्पी। मेरा नाम नहीं है हैप्पी, मेरा नाम है डॉक्टर अमिता जोगी। ओ, आप रमता जोगी हैं? एक सेकंड मानव, देखिए आप रमता जोगी हो या रमता जो भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि इनको कब होश आएगा? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी फॉर हिम, इन्होंने भी उसी कॉफी से एक सिप ले लिया था जिस कॉफी को पी के ये यहाँ बेहोश पड़े हैं। इससे ये पता चलता है कि कॉफी में जो बेहोशी की दवाई डाली गई थी ना, कितनी पावरफुल है, जो इतने बड़े शरीर पर असर दिखा रही है। ओ डॉक्टर रमता जोगी, मैं अपने पूरे होश आवाज में हूँ, आप अपने ताल से ताल मिलाइए। डॉक्टर साहब इनका बताइए, इनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, इनको कब तक होश आएगा? देखिए इंस्पेक्टर, इन्होंने बहुत हैवी मात्रा में बेहोशी की दवा पी ली है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बेहोशी से कोमा में जा रहे हैं, और कोमा से इनको फुल स्टॉप भी लग सकता है। इसका मतलब अगर दामोदर को कुछ हो गया ना, तो नीना जी और डॉली को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। आदि, तू तू डॉली को फांसी पे चढ़ाएगा? वो कोई मेरे दूध का पतीला नहीं है जो मैं उसे चूल्हे पे चढ़ाऊंगा। अरे चढ़ाना चढ़ाना कानून के हाथ में यार, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी। अच्छा यहाँ पर एक लड़की फांसी पे चढ़ रही है एंड यू आर हैप्पी? नहीं नहीं, इनकी उंगली हिल रही है इसलिए मैंने बोला आई एम हैप्पी। डॉक्टर साहब इसकी उंगली हिल रही है,
इसका मतलब ये बच तो जाएगा ना? देखिए इंस्पेक्टर, एक उंगली से पूरी जिंदगी तो नहीं कट सकती है ना, इनको पूरा हिलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ ले, समझ ले। ये रखिए डॉक्टर साहब इनकी फाइल। हरे पोपट वाले ज्योतिष को जानता हूँ, वो सभी कुंडली निकालता है। अरे उसके लिए हमें हरे पोपट वाले ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमें दामोदर के घर जाना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.